बहारों में होड़ मच गई रे, पहले जाना जलाला ने। आदमियों में होड़ होती है, मैं धन ज्यादा कमाऊंगा, मैं अपने नाम की वाहवाह करवाऊंगा, मैं राज करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। पर बहारों में होड़ मच गई कि हमने पहले उस नगर में जाना है जहां भगवान जी आने वाले हैं। बचपन में शास्त्र नाम जी दाता रहबर पालने में सोए थे, एक झींवर आया, पानी भरते थे झींवर, वो पानी भरने आया, पानी भर के जैसे ही जाने लगा, रास्ते में शास्त्र नाम जी दाता का पालना आ गया। वो उस पालने के पास रुक गया, टिकटिकी बांध के पालने की तरफ देखने लगा। माता जी अंदर थे, बहुत बड़ा घराना था, 18 साल बाद औलाद हुई थी। उन्होंने देखा झींवर पानी भरने आया था, ये तो गया ही नहीं, ये तो वहां मेरे लाल के पास खड़ा है। मां चाहे भगवान की क्यों ना हो, मां तो मां ही होती, वो तो भगवान नहीं होती। हालांकि भगवान मां की गोद में ही आके पैदा होते हैं, मां के गर्भ से पैदा होते हैं। कितना बड़ा रुतबा है स्त्री जात को, सो नमन है हमारी तरफ से ऐसी माता को जिनकी कोख से भविष्य पैदा होता है, उज्जवल भविष्य। तो मां दौड़ी चली आई, दादाजी को उठा के छाती से लगा लिया। कहने लगी, भाई तू यहां क्या कर रहा था? वो झींवर हंस पड़ा, कहने लगा, मां मेरी नीयत गलत नहीं, आपके बेटे में से मुझे अवतारों के दर्शन हो रहे हैं, मैं इसलिए टिकटिकी बांध के देख रहा था, मेरी बुरी नीयत नहीं है। मां कहने लगी, इसमें अवतारों वाली कौन सी बात है, तू तेरे वाकई ऐसा कर। तो वो और हंस पड़ा, कहता, मां तो फिर मां ही होती है, कैसे बताऊं मां, तेरा बेटा आम आदमी नहीं है, ये तो मालिक की कोई जोत है। तो इस बारे में और लिखा बताया है, आप जी के धरा पर आगमन का शुभ समाचार जैसे ही गांव श्री जलालाना साहब एम आस पड़ोस के अन्य गांव में पहुंचा तो समस्त परिचित लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे महान आत्मा के आगमन पर समस्त प्रकृति स्वर लहरियों में झूम उठी हो तथा चहुं और ईश्वरीय मस्ती छा गई हो। आप जी की शुभ जन्म वेला पर हर तरफ से परिवार को बधाइयां व शुभ कामनाएं आने लगी। उस समय की रिवायत के अनुसार समस्त गांव में थाल भर भर कर शक्कर बांटी गई तथा अनाज व गुड़ से गरीबों की झोलियां भर दी गई। सभी लोग वाहेगुरु परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए जेलदार के घर के उस इलाही चिराग की सुख समृद्धि की कामना करने लगे। जी तो बेपरवाची का अवतार जलालाना साहब में हुआ और जर्रे जर्रे में है मस्ती छाई रे, आया मस्ती का भंडार, सूरत गैबी है नुरानी जिसका हो सके ना शुमार, सबको नूर से मदहोश बना दिया। बेपरवाह जी शास्त्र नाम जी दाता जब बिल्कुल नन्हे से थे, उम्र रही होगी 6-7 साल की या 5-6 साल की, एक गरीब परिवार
जो किसी और घर में नौकरी करता था, शाम का समय था, सूर्य अस्त हो गए थे, खाना गांव में बड़ा जल्दी ले लिया जाता है, जो आयुर्वेदा के अनुसार सही भी है। तो खाना बनाया जा रहा था, माता जी बना रहे थे और नन्हे से दाता रहबर बैठे हुए खा रहे थे। उसी समय वो परिवार आया, रोने लगा। माता जी कहने लगे, भाई रो क्यों रहा है? कहने लगा, जी मेरी बेटी की शादी है और मैं जिस जमींदार के यहां नौकर हूं, कुछ नहीं दे रहे मुझे, शादी रख दी गई, बारात आने वाली है, कुछ भी इंतजाम नहीं हुए। माताजी आप कृपा करो। तो माताजी चुप रहे थोड़ा सा। बेपरवाह जी नन्हे से जो बैठे थे कहने लगे, मां इनकी बेटी की शादी जरूर करवा दो, अगर आप कहो तो मैं एक रोटी कम खा लिया करूंगा। क्या आप सोच सकते हैं 5 साल का बच्चा ऐसी बात कह सकता है? यही नहीं, आगे सुनिए। माताजी की आंखों में आंसू आ गए, वाह वाकई ये तो कुछ अलग है, क्योंकि संतों ने कहा था ये 43 साल आपके पास रहेगा फिर नहीं, फिर तो ये भक्ति में जाएगा। तो माता जी कहने लगे, कोई बात नहीं। वो आदमी कहने लगा, माताजी आप मुझे पैसे दे दीजिए, 100 रुपया या 150। उस समय 100-150 की बहुत कीमत होती थी, 1934-35 की बात रही होगी, बहुत कीमत होती थी। तो सतगुरु मुर्शिद ने, जो नन्ही से बाल स्वरूप में बैठे थे, कहा कि माता आप पैसे वापस ना लेना, आप ये सोच लेना कि आपने मेरी बहन की शादी की है। माता ने अपने लाल को छाती से लगा लिया कि बेटा मैं नहीं लूंगी पैसा, ले जा भाई तू शादी कर। और वो परिवार 100 की जगह 200 रुपए लेके गया, नाचता गाता धूमधाम से शादी की। क्या आप सोच सकते हैं कि नन्ना सा बच्चा सिर्फ 5 साल का ऐसी रूहानियत की गूढ़ बातें सुन सकता है, कह सकता है? यहां भी बच्चे हैं, कितने बैठे होंगे 5-6 साल के, तरह तरह की बातें, तरह तरह की चर्चाएं, कईयों को तो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यही फर्क होता है, जो मालिक स्वरूप अवतार धारण करते हैं उनकी बातें निराली होती हैं, उनके खेल निराले होते हैं।